हे दोस्तों, टोफा हिंदी चैनल पर आपका स्वागत है। मेरा नाम है शाहिद और आज हम बात करने वाले हैं अपकमिंग हिंदी डब फिल्मों के बारे में। जो प्यार जिंदगी दे सकता है, क्या वही प्यार जिंदगी ले भी सकता है? पिछले वीडियो में हमने आपको 5 फिल्मों के बारे में बताया था जो इस महीने हिंदी डब में आने वाली थी। इन 5 फिल्मों में से अलावे गुंथा पुरामलु, भीष्मा और खिलाड़ी के हिंदी डब को तो आपने देख लिया होगा। रही बात वली माई की, तो वो फिल्म कल 24 फरवरी को आने वाली है। इन 5 फिल्मों के अलावा कुछ और हिंदी डब फिल्में भी इस महीने आने वाली है। जी हाँ, और अगले महीने मार्च में कुछ बड़ी हिंदी डब फिल्में आने वाली हैं। तो इन्हीं सब फिल्मों को मिला के चलिए जानते हैं फरवरी एंड और मार्च के शुरू में आने वाली 5 बड़ी हिंदी डब फिल्मों के बारे में। जिंदगी माधव चोत्तमे उत्तगीतले मन चेतुलुंटाय रातलु मन चेतु। नंबर 5, अला मुदलाइंदी। 24 फरवरी को वली माई के बाद नानी की एक पुरानी फिल्म हिंदी डब में टीवी और यूट्यूब पर आने वाली है। इस फिल्म का नाम है अला मुदलाइंदी, जो 2011 में रिलीज हुई थी। नानी फिल्म के लीड रोल में हैं साथी नित्या मेनन, स्नेहा उल्लाल और आशीष विद्यार्थी सपोर्टिंग रोल में नजर आएंगे। फिल्म में एक अच्छी रोमांटिक कहानी के साथ भरपूर कॉमेडी भी देखने को मिलती है। IMDB पर इस फिल्म को 7.7 की रेटिंग मिली है। इस फिल्म का वर्ल्ड टेलीविजन प्रीमियर होने वाला है 27 फरवरी को शाम 7 बजे रिश्ते सिनेप्लेक्स पर, और उसी दिन ये फिल्म RKD के यूट्यूब चैनल पर भी रिलीज होगी। नंबर 4, बरुचे वारे वरुरा। 27 फरवरी को ही एक और बेहतरीन तेलुगु फिल्म हिंदी डब में आने वाली है। 2020 में रिलीज हुई ये फिल्म एक तेलुगु क्राइम कॉमेडी फिल्म थी, जिसमें श्री विष्णु, निवेथा थॉमस और निवेथा पेथुराज अहम भूमिका में नजर आए थे। इस फिल्म की कहानी 3 दोस्तों के इर्द गिर्द बुनी गई है। काफी इंटरेस्टिंग कहानी है, जिसे आपको जरूर देखनी चाहिए। तो इस फिल्म का वर्ल्ड टेलीविजन प्रीमियर होने वाला है 27 फरवरी को रात 8 बजे कलर सिनेप्लेक्स पर, और उसके बाद ये फिल्म भी RKD के यूट्यूब चैनल पर ही रिलीज होगी। कब तक बिना मकसद के जिएंगे? अपने को पैसा चाहिए। मुझे किडनैप कर लो। हेलो, तेरी बेटी मेरे कब्जे में है। नंबर 3, वाल्मीकि। फाइनली वाल्मीकि का हिंदी डब आपको मार्च के पहले वीक में देखने को मिलेगा। एक तेलुगु एक्शन कॉमेडी फिल्म थी, जिसे हरीश शंकर ने डायरेक्ट किया था। जी हाँ, ये फिल्म DJ के डायरेक्टर की फिल्म है। अब भले ही ये फिल्म रिमेक थी, लेकिन फिल्म की कहानी काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है, जिसमें वरुण तेज, अथर्वा और पूजा हेगड़े की बेहतरीन एक्टिंग देखने को मिलती है। तो इस फिल्म का वर्ल्ड टेलीविजन प्रीमियर होने वाला है 6 मार्च को रात 8 बजे ढिंचाक TV चैनल पर। ये फिल्म भी उसी फिल्म की रिमेक थी, जिसे अभी बच्चन पांडे में रिमेक किया गया है। जी हाँ, बच्चन पांडे और वाल्मीकि दोनों फिल्में जिगर थांडा की ही रिमेक है। वो मामूली इंसान नहीं, अलग मिट्टी का बना है। नंबर 2, इथरकुम थुन्निन धवन। सूर्या की अपकमिंग एक्शन थ्रिलर फिल्म इथरकुम थुन्निन धवन को भी पैन इंडिया रिलीज किया जाएगा, जहां ये फिल्म तमिल के अलावा तेलुगु, कन्नड़ा, मलयालम और हिंदी भाषा में भी रिलीज होगी। बात करें टीजर ट्रेलर की, तो अभी ट्रेलर तो नहीं आया है, लेकिन फिल्म का टीजर कई भाषाओं में रिलीज किया गया है, और ये टीजर जबरदस्त एक्शन और थ्रिल से भरा हुआ है। साथ ही फिल्म का हिंदी डब भी काफी अच्छा लग रहा है। तो अब इंतजार करते हैं फिल्म के ट्रेलर का और देखते हैं कि हमें इस फिल्म के बारे में और क्या पता चलता है। ये फिल्म 10 मार्च को सिनेमा घरों में रिलीज होगी। तुम मेरे साथ हो, डरने की कोई जरूरत नहीं, कोई हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। नंबर 1, राधेश्याम। प्रभास की इस मच अवेटेड फिल्म का हर कोई इंतजार कर रहा है। कोविड की वजह से फिल्म को कई बार पोस्टपोन किया गया था, लेकिन अब फाइनली ये फिल्म कुछ ही दिनों में रिलीज होगी। जी हाँ, काफी टाइम के बाद प्रभास की कोई नई फिल्म देखने को मिलेगी। ट्रेलर की बात करें तो इस ट्रेलर को लेकर सभी की अपनी अपनी राय है, लेकिन मैं आप सबसे पूछना चाहूंगा कि राधेश्याम का ट्रेलर आपको कैसा लगा था और आप इस फिल्म के बारे में क्या सोचते हैं? ये फिल्म कैसी जाएगी, हमें कमेंट में जरूर बताएं। वैसे फिल्म का बजट 350 करोड़ है, तो ये फिल्म 11 मार्च को रिलीज होगी। इन 5 फिल्मों के अलावा कुछ और भी फिल्में हैं जो मार्च में देखने को मिलेगी। रही बात भीमला नायक की, तो कहा गया है कि भीमला नायक हिंदी में भी रिलीज होगी, लेकिन फिल्म का ट्रेलर अभी तक हिंदी डब में नहीं आया है और फिल्म 25 फरवरी को रिलीज होगी। तो अगर हिंदी डब को लेकर कोई भी अपडेट आती है तो हम आपको सोशल मीडिया पर अपडेट कर देंगे। तो इन हिंदी डब फिल्मों में से आप किस फिल्म के हिंदी डब के लिए सबसे ज्यादा एक्साइटेड हैं, हमें कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ भी फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर पर जरूर शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।